हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एसजे और मैं हूँ श्वेता, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल की। जैसा कि वेडिंग सीजन आ गया है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप। होप यू गाइस लाइक दिस ग्लैम लुक मेकअप, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज कर लिया है और डार्क एरियाज के लिए कंसीलर भी अप्लाई कर लिया है। वेट एंड वाइल्ड पैलेट से मैंने आईब्रोज भी ऑफलाइन बना लिया है। अब सबसे पहले मैं लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मेबेलिन बेबी लिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी 9 to 5 पैलेट का, जो कि काफी सेटल्ड है। मैंने यहाँ पे आउटफिट व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है, तो मैं थोड़ा सा कोरल पीचेस कलर का इस्तेमाल करूंगी। अच्छी तरह से पूरे लिड पे स्प्रेड कर देंगे और सेम कलर साथ साथ अंडर आई एरिया में भी लगा लेंगे। यहाँ पे आई लाइनर में मैं एक ट्रांजिशन एड कर रही हूँ, होप आपको पसंद आएगा। ये सिल्वर कलर की स्पार्कल आई लाइनर है, जो की बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। सबसे पहले मैं एज आई लाइनर अपने पूरे आईज पे अप्लाई कर लूंगी और उसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। अब आई लाइनर के लिए मैं मेबेलिन स्केच लाइनर का इस्तेमाल करूंगी। इस वाइट लाइन के नीचे हमें आई लाइनर ड्रॉ करनी है। आप अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग मोटी या पतली ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा ये न्यू ट्राई आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। अब आई कलर की हेल्प से मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल करूंगी। अब मैं फॉल्सीज का इस्तेमाल करूंगी ऑफ कैमरा। यहाँ पे मैंने फेक लेसेस लगा लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। मार्केट में ये लाइट वाले भी अवेलेबल होते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे सेटल करने के लिए मेबेलिन मस्कारा का इस्तेमाल करूँगी। फॉल लेसेस के बाद आप मस्कारा से एक अच्छी कोटिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि फॉल लेशेस आपकी रियल लेशेस के साथ अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाए। आफ्टर कम्प्लीटिंग माई आई मेकअप, मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन का इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ पे 2 पम्प्स ले रही हूँ फॉर माई फेस। ब्यूटी ब्लेंडर को स्क्वीज आउट करके टैप टैप करके पूरे फाउंडेशन को स्प्रेड करेंगे और नेक एरिया में लगाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक फ्लॉलेस बेस मिल जाए। अब मैं पीच कलर के ब्लश का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि टोटली मेरे आई मेकअप से मैच करता हुआ है। अब मैं अपने मास्टर कॉन्ट्रोल पैलेट से फेस को कॉन्ट्रोल करूंगी, जो कि मेरे फेस को बनाएगा और भी ज़्यादा पतला। नोज को कॉन्ट्रोल करना बिल्कुल ना भूलें और इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करें, जब तक हाउस लाइन दिखना बंद ना हो जाए। अब मैं अंडर आई एरिया में ब्लैक काजल का इस्तेमाल करूंगी। अब मैं मास्टर कॉन्ट्रोल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करूंगी। एंगुलर ब्रश की हेल्प से काजल को स्मोकी लुक्स देंगे। फ्रेंड्स, स्मोकी काजल लुक बहुत ज़्यादा इन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं अपना सबसे फेवरेट पार्ट हाइलाइटर का इस्तेमाल करूंगी, जो कि मेकअप को बहुत ही ग्लोई बनाएगा। क्यूपिड बो, बेस ऑफ द नोज, अंडर आईब्रोज एंड इनर कॉर्नर ऑफ आईज, सभी जगह को अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे। लिपस्टिक के लिए मैं फूशिया पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि मेरा पूरा मेकअप वाइट एंड पिंकिश लगे। यहाँ पे मैंने कुंदन ज्वेलरी का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल 250 के रेंज में है। इसकी हॉल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, जो कि वेडिंग फंक्शंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मांग टीके को सेट करने के लिए मिड पार्टीशन करके थोड़े से बाल को पीछे टाई अप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना मांग टीका सेट करूँगी। अब बालों को थोड़े थोड़े सेक्शन में लेकर बैक कॉमिंग करेंगे, जिससे थोड़े से पफी लुक आ जाए, फ्लैट सा लुक ना आए। अब मिड से थोड़े से बालों को सेक्शन में लेकर बैक कॉमिंग करके ट्विस्ट करेंगे और पिन से सिक्योर कर देंगे। अब सेम प्रोसेस में फ्रंट के बालों को पकड़ के बैक कॉम करेंगे और उसे भी ट्विस्ट करके पिन से सिक्योर कर देंगे। यही सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। बालों को मैंने यहाँ पे ओपन रखा है, आप पीछे जूड़ा भी टाई अप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। हैंड में मैंने ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया है, आप बैंगल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक कुंदन स्टेटमेंट रिंग ऐड किया है फॉर कंप्लीट दिस लुक। नेल पेंट में मैं सिल्वर नेल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट दे। आप गोल्डन कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है मेरा फाइनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल लुक। थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। ये है मेरा ओवरऑल पार्टी लुक, एक
गोल्डन क्लच कैरी किया है और पहना है व्हाइट कलर का चिकनकारी प्लाजो सूट विद गोल्डन जुत्तीस। इस ड्रेस की हॉल वीडियो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ऑल्सो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक अपडेट्स एंड बिहाइंड द सीन्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है stylaSJ। स्टे हैप्पी, बी स्टाइलिश। जल्दी मिलती हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।